हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। गाइज आप सभी को पता होगा आईपीओ क्लोज हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कैसे हम चेक करें और इस आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। उसके साथ ही गाइज इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लॉस के चांसेस हैं या नहीं है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो गाइज आपको करनी है दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी आपको सही तरीके से समझ आ सके, और अगर जब चैनल पे पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमेशा बेहतर अपडेट्स आपको हमारी तरफ से मिल सके। तो चलिए अपनी डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं इसकी डेट से। गाइस आईपीओ आप देख सकते हो क्लोज हो चुका है, 7th को अब इसकी अलॉटमेंट आनी है, यानी कि आज के दिन, ठीक है। और ये जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे। अब मैंने आपको बता दिया कि इसका रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम, और लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे ही आपको अलॉटमेंट चेक करना है। अलॉटमेंट आने का जो टाइम होता है वो 8:30 के बाद होता है, लेकिन कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे लिंक्डइन टाइम का, तो इसको हम लोग लेटिन टाइम भी कहते हैं बिकॉज ये टाइम से अलॉटमेंट नहीं देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीगल इंडिया का कल करीब 12:30 के आसपास आ गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था कल डालने में, लेकिन 12:30 के आसपास आया था, ठीक है, यानी रात को 12:30 बजे। यहाँ देख सकते हो इसके पहले आप सेम रजिस्ट्रार है सनस्टार लिमिटेड आईपीओ का, इसका जो अलॉटमेंट आया था अराउंड 2:20 पे आया था, ठीक है। इसके पहले आप देख सकते हो एमक्योर का सेम रजिस्ट्रार है, इसका अलॉटमेंट आया था 1:40 पे, ठीक है। इसके पहले का आप देख सकते यहाँ पे 7:42 पे दे दिया था, बट बिग शार सर्विस इसका रजिस्ट्रार है व्रजारण का। तो लिंक्डइन टाइम का आप जहां भी देखोगे आप देखोगे कि इनके अलॉटमेंट का जो टाइम है वो लेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इस रजिस्ट्रार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लेट देने का ही है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। कई बार ये जल्दी भी देते हैं कि 10:00 11:00 दे दिया, कई बार ये अगले दिन भी देते हैं, और कई बार जो है ये 2:00 रात को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। एक्चुअल जो टाइम है वो 8:30 के बाद अलॉटमेंट देने का है, बट ये टाइम से दे या ना दे ये इन पे डिपेंड करता है। तो आप बार बार चाहो तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई अलॉटमेंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन आप बार बार जाके खुद चेक करो, इससे बेहतर है कि जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपके लिए हम इस चैनल पे साझा कर देंगे कि भाई अलॉटमेंट आ चुका है, ठीक है। उसके साथ ही आप इस चैनल पे अगर जो जुड़ते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे एक नंबर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जैकपॉट गिनर लेवल्स भी मिलते हैं। इवन आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन भी करीब 300 पॉइंट का बढ़िया गेन, और HFCL एक स्टॉक है उसमें हमें करीब 11% की तेजी देखने को मिली। और ये देख सकते हो उसके पहले के सारे स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, कितने शानदार स्टॉक्स के लेवल मिल जाते हैं, स्विंग शॉर्ट टर्म लेवल्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपके साथ हम यहाँ पे साझा कर देंगे। और अगर जो आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो गाइज आप इस चैनल पे भी जुड़ सकते हो, ये है न्यूज चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर पे है। यहाँ पे देख सकते हो सीगल का अलॉटमेंट आया हमने साझा कर दिया था, उसके साथ ही डेबिट क्रेडिट स्टार्ट हुआ करीब 11:30 बजे हमने साझा कर दिया था, ठीक है। तो हर एक आईपीओ की इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1 वाले चैनल पे सारे कॉल्स और अलॉटमेंट का आएगा, नंबर 2 वाले चैनल पे भी अलॉटमेंट का बताएंगे और साथ में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, और 3 नंबर पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाने वाला है जहां पे रेगुलरली आपको कई सारे इंफॉर्मेटिव रील्स मिल जाएगी, और स्टोरी में वहां भी हम अपडेट कर देंगे कि भाई अलॉटमेंट आ चुका है, ठीक है। अब काफी सारे लोग अलॉटमेंट चेक करना नहीं आता होगा, तो बता दो गाइस जैसे मान लो एग्जांपल में हमने यहां पे आपको इस तरीके से लिंक दिया कि ओला आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपको इस तरह से एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से नाम लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जब अलॉटमेंट आ जाता है उस टाइम में नाम लिख के आ जाता है, अगर जब अभी चेक करने जाओगे तो ये सारे नाम दिखेंगे, बट जब अलॉटमेंट आ जाएगा जब आपको अपडेट कर देंगे उसके बाद वहां पे आपको नाम दिखेगा ओला का। मान लो एग्जांपल मैंने ओला को चूज कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ओला का नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे पैन कार्ड पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला पता चल जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी अप्लाइड के सामने आपने जितने लॉट अप्लाई किए होंगे मल्टीपल वो दिखाएगा, और सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने मान लो अगर जो आपको एक लॉट मिला है तो 195 शेयर लिखा हुआ दिखाएगा, अगर जो 2 लॉट मिला है तो 195 × 2, ये आपको 0 नहीं दिखाना चाहिए सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने। इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिला है, और अगर जो 0 दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट नहीं मिला है, ठीक है। अब गाइस यहां पे आई होप आपके अलॉटमेंट रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। बचा इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो करंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है
वो हमें -1 से 1.5 रुपए निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 2% तक का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहते हैं तो भाई ओला इलेक्ट्रिक में लॉस के चांसेस काफी ज्यादा हायर साइड रहने वाले हैं। फिलहाल सीगल इंडिया का लिस्टिंग इसके पहले ही है, तो अगर सीगल इंडिया की लिस्टिंग अच्छी हो जाती तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते कि ओला इलेक्ट्रिक भी छोटा मोटा लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा गेन दे सकता है। ठीक है, लेकिन सीगल की अगर जो लिस्टिंग खराब होती है तो मुझे लगता है सीधे सीधे इंपैक्ट आएगा ओला पे भी, और ओला की भी नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो अब आप लोगों ने कितनी आईडी से कितना लॉट लगाया ओला में कमेंट करके जरूर बताना, साथ में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा सीगल इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियो, लिस्टिंग कहां हो सकती है सारा कुछ बताऊंगा, उसको भी आप देख लेना। तो मिलते हैं इस अगली वीडियो में, करते रहेंगे। थैंक यू वाचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।